हेलो, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा होने वाला है और फिल्म ने अभी से 5 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। पहला, 5वें दिन बनी 100 करोड़ की फिल्म। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने 5 दिन में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली ये इस साल की पहली फिल्म है। काफी टाइम से लोग इस तरह के रिकॉर्ड का इंतजार कर रहे थे, जो कि सूर्यवंशी के रिलीज होने के बाद हुआ है। दूसरा, साल 2021 की पहली 100 करोड़ फिल्म। अक्षय और कैटरीना की ये फिल्म साल 2021 की पहली 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। इस साल रिलीज हुई किसी भी फिल्म ने ये कारनामा नहीं किया है। थलाइवी, बेल बॉटम, मुंबई सागा और रूही जैसी फिल्में भी ये काम नहीं कर पाई जो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने किया है। नंबर 3, रोहित शेट्टी की नवी 100 करोड़ी फिल्म। 100 करोड़ी बनते ही सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हिट फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया है। ये रोहित शेट्टी की नवी 100 करोड़ी फिल्म बनी है। इससे पहले वो कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। नंबर 4, कैटरीना कैफ की 8वीं 100 करोड़ी फिल्म। इस फिल्म के साथ ही कैटरीना कैफ की भी चांदी हो गई है। ना सिर्फ अक्षय और रोहित शेट्टी बल्कि कैटरीना ने भी सूर्यवंशी के चलते बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये एक्ट्रेस की 8वीं 100 करोड़ी फिल्म बनी है। नंबर 5, अक्षय कुमार की 15वीं 100 करोड़ी फिल्म। अक्षय कुमार को फिल्म सूर्यवंशी के साथ ही अपने करियर की 15वीं 100 करोड़ी फिल्म मिल गई है। ये कारनामा करके खिलाड़ी कुमार ने सलमान खान की बराबरी कर ली है और जल्द ही वो इस मामले में सलमान से आगे भी निकल सकते हैं। तो देखा आपने, सूर्यवंशी ने 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। कोरोना काल के बीच लोगों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थीं और अक्षय ने भी ये कारनामा करके साबित कर दिखाया है कि खिलाड़ी कुमार फिलहाल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बताते चलते हैं कि इस फिल्म में अक्षय और कैटरीना के साथ रणवीर और अजय भी एक्सटेंड कैमियो के रोल में नजर आए हैं। फिल्म को बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। तो आपका इस खबर पे क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।